शाहजहांपुर से धर्मपाल राजपूत पत्रकार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर राज्य महिला आयोग सुनीता बंसल का दौरा। दहेज प्रथा जैसी कई शिकायतें महिलाओं ने की। पीड़ित महिलाओं का जवाब यही रहा, थाने चौकियों के चक्कर लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कोई बात संज्ञान में नहीं लेते। राज्य महिला आयोग सुनीता बंसल ने अधिकारियों की लगाई झाड़ और कहा, अगर इसी तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता रहेगा तो आखिर पीड़ित महिलाएं किससे लगाएंगी न्याय की गुहार। जिले के हर थाने से आई पीड़ित महिलाएं, जिन्होंने राज्य महिला आयोग सुनीता बंसल से लगाई न्याय की गुहार। महिलाओं ने रो रोकर सुनाई अपनी फरियाद। व्हाइट राज्य महिला आयोग सुनीता बंसल। महिलाओं को मालूम ही नहीं होता था कितनी शिकायतें कहाँ लेकर जाएं, और अभी काफी अवेयरनेस आई है। पहले वो चुपचाप सहती रहती थी सारी चीजें, लेकिन अब नहीं सह रही हैं महिलाएं। अब आगे निकलकर आ रही हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा पा रही हैं और उन्हें न्याय भी मिल रहा है। महिला आयोग भी उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था 6306511708, कि कहीं भी किसी भी जिले में महिला बैठकर घर के अंदर बैठकर भी एक रजिस्टर में अपनी शिकायतें नोट करके, एक सादे पेपर पर अपनी शिकायतें नोट करें, क्या चाहती है। वो दहेज उत्पीड़न का केस है या घरेलू हिंसा का केस है या छेड़छाड़ का मामला है, वो सारे मामले लिखकर वो क्या चाहती है, किस तरीके से न्याय चाहती है, वो लिखकर हमें भेजे आधार नंबर के साथ, वो व्हाट्सएप कर देती है और हम उस पर सुनवाई करते हैं। इसमें हमारे साथ में संबंधित अधिकारी बैठे हुए हैं, और कहीं उत्पीड़न का केस है, अभी तक के जो मामले आए हैं दहेज उत्पीड़न का, तो उसमें एप्लीकेशन लेकर और थाने के माध्यम से भी FIR दर्ज है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, तो उस पर कार्रवाई करवानी है। ठीक है, मीडिएशन अगर फेल हो जाता है वो भी कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा हमारे महिला आयोग में भी एप्लीकेशन हम लेकर जाएंगे और वहाँ से भी इस पर कार्रवाई करवाएंगे। मैडम, जिस तरह से देखा जाता है कि आप हर मंथ आके पीड़ितों की अदास सुनती हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पीड़ित मजबूर होकर बैठ जाता है, इसके पीछे क्या वजह है कि अधिकारी पहले क्यों नहीं संज्ञान लेते? नहीं, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी महिला थाने में जाती है तो उसको बहुत ही गंभीरता के साथ उसका केस सुनना चाहिए, और सुनने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई भी करना चाहिए। थाने से महिला निराश नहीं लौटनी चाहिए, हमने हमेशा कहा है। इस तरह की कोई भी लापरवाही होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।